निकाय चुनाव के ठीक पहले रायपुर के 70 वार्डों के परिसीमन और उनके नाम बदलने को लेकर असहमति नजर आ रही है। इसे लेकर बीडीपी के कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने राज्य निर्वाचन अधिकारी राम ठाकुर को ज्ञापन सौंप कर नाराजगी जाहिर की। बीडीपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि अधिकारियों द्वारा किया गया परिसीमन राज्य सरकार के दबाव में किया गया है, जो गलत और नियम विरुद्ध है। परिसीमन की खामियों को दूर करने के ही निष्पक्ष चुनाव संभव है। दिसंबर माह में छत्तीसगढ़ प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव होने हैं। राज्य शासन के माध्यम से सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों के परिसीमन हो रहे हैं, लेकिन इस परिसीमन में जो 24 तारीख को परिसीमन घोषित हुआ उसमें तमाम प्रकार की अनियमितताएं सभी नगरीय क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। विशेष रूप से आज जो उल्लेख हम लोगों ने किया है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की ओर से, कुछ बिंदुओं पर हमने निर्वाचन आयोग के पास में अपनी आपत्ति दर्ज की है बीजेपी की ओर से कि यह परिसमन ठीक नहीं है, न केवल जनप्रतिनिधियों के लिए बल्कि नगरीय निकाय क्षेत्र की जो जनता है उनके लिए भी ये जो परिसीमन है वो अनुकूल नहीं है। देखिए, इन्होंने तो नगर पालिका और नगर निगम में परिसीमन चल रहा है वार्डों का, उसके संबंध में ज्ञापन सौंपा है और जो परिसीमन की कार्रवाई है वो शासन द्वारा की जाती है, उनके द्वारा की जा रही है। उनका ज्ञापन हम शासन को फॉरवर्ड कर देंगे और उनको हमने परिसीमन के बारे में सुना भी है, लेकिन मैंने जैसे कहा क्षेत्राधिकार का विषय है, राज्य शासन के पास है क्षेत्राधिकार, उनको हम ज्ञापन भेज देंगे। पुलिस अपनी कार्य